बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के सभागार में शुक्रवार को भारतीय भाषा अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन अधिवक्ताओं द्वारा किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि एडीजी प्रथम विजेंद्र सिंह रहे। समारोह की अध्यक्षता बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के अध्यक्ष वीरेन शाही एवं संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक नारायण दुबे ने किया। समारोह का प्रारंभ एडवोकेट अख्तर हसन द्वारा वंदे मातरम से किया गया। इस दौरान प्रमुख वक्ता सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता शंकर कुमार झा और नलिन त्रिपाठी ने बताया कि हमारा अभियान देश की राष्ट्रभाषा से नहीं है। उनका यह भी मानना है कि देश में भाषाओं को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय भाषाओं को न्याय की भाषा से जोड़ते हुए न्याय सहज एवं सरल हो का प्रयास है, जिसके तहत इस अभियान का मुख्य कार्यक्रम 23 फरवरी 2019 को वाराणसी में आयोजित है, जहाँ सभी आमंत्रित हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा, भाषा का प्रयोग करके तमाम हमारे जो अपर जनपद न्यायाधीश विजय सिंह जी को एवं समस्त उनके साथ समस्त सर्वोच्च न्यायालय से हम लोगों के मध्य आए विशिष्ट अतिथिगण श्री नलिन त्रिपाठी जी, सम्मानीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री विजय सिंह जी का आगमन हो चुका है। सुनहरे भविष्य की परिकल्पना से उठाए अनुशासित होकर न्याय नमन करता हूँ। संगोष्ठी के आयोजक अपने प्रिय हमारे भारतीय मंत्री अरे अध्यक्ष और हमारे समय दीजिए सर।
अशोक नारायण धर दुबे, पेशे से अधिवक्ता हूँ यहाँ दीवानी न्यायालय में। देखिए, मेरी सूचना में है कि ये न्यायालयों की भाषा को लेकर एक विचार प्रवाह एकत्रित करने का प्रयास हो रहा है। लोग अपने विचार रखें और इस पूरे जो कार्यक्रम का उद्देश्य मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि जो जनमानस की भाषा है, जहाँ न्यायालय अवस्थापित है उस क्षेत्र विशेष की जो जनता की भाषा है, जनभाषा है, उसमें न्यायिक कार्य का कार्यकलाप हो, ताकि जनता ये समझे कि उसके हितों का संरक्षण कैसे हो रहा है और न्यायालय किस तरह से उसकी बात को समझ रही है और उसे यथोचित उपचार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके पीछे जरूरी है कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाएँ अभिस्वीकृत हैं। उन अभिस्वीकृत भाषाओं का हम चाहते हैं कि न्यायालयों में भी उसी अनुरूप उपयोग हो, ताकि वो हर क्षेत्र के लोगों को उसी तरह से उनकी बात न्यायालय के सम्मुख आ सके और वो अपनी बात को जाने कि क्या कार्यवाही उनके मामले में हो रही है, जो वो चाहते हैं वो न्यायालय तक संप्रेषित हो पा रही है कि नहीं, न्यायालय तक उनकी बात पहुंच रही कि नहीं। कभी कभी ये होता है कि उस भाषा का प्रयोग न्यायालयों में होता है जिससे वादकारी अनभिज्ञ है, तो वह यह समझ नहीं पाता है कि जो वो चाहता है उसकी बात उसका अधिवक्ता न्यायालय तक पहुंचा रहा है नहीं, या माननीय न्यायाधीश उसकी बात उसकी संतुष्टि की सीमा तक समझ पा रहे हैं कि नहीं। संभवतः इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर ये भारतीय भाषा अभियान कार्य कर रही है और अगर ऐसा उद्देश्य इनका है, पवित्र उद्देश्य है, तो इसमें इनको सफलता मिले, मेरी ऐसी कामना है। मेरा नाम शंकर कुमार झा है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और भारतीय भाषा अभियान से जुड़ा हूँ। मैं सर्वोच्च न्यायालय में करता हूँ काम दिल्ली में और अभी इस कार्यक्रम के निमित्त यहाँ आया हुआ हूँ। भारतीय भाषा अभियान न्यायालय में न्याय की जो व्यवस्था है वो भारतीय भाषाओं में हो, इसको लेकर के संघर्षरत है, एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में तमाम देश के जितने अधिवक्ता बंधु हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग ये चाहते हैं कि एक न्याय भाषा को लेकर के एक जन आंदोलन खड़ा हो, एक न्याय भाषा मंथन की व्यवस्था खड़ी हो, जहाँ से कुछ न कुछ ये निकल करके आए कि हाँ भाई, भारतीय संविधान के हिसाब से न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालयों में न्याय भाषा जो हो वो भारतीय भाषाओं में हो, क्षेत्रीय भाषाओं में, आधिकारिक भाषाओं में। इसमें थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम आधिकारिक क्षेत्रीय भाषाओं की बात करते हैं तो हम संविधान के उस 8वीं शेड्यूल में जो हमारे 22 भाषाएं हैं उसके विषय में चिंता करते हैं। हम चाहते हैं कि भारत की जो व्यवस्था है, जो संविधान की व्यवस्था है, उसके अनुकूल हमारी न्याय व्यवस्था भी हो, उसकी भाषाएँ भी हों।